बजट खां पोए तजवीज़ों के डील करने लाए कमेटी जोड़े रहा हूं। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के खड़ी हलण से मुल्क जो फीथो हलंदो, मुआशी इस्तेकाम थी चुको, हाने तरक्की की शरह दां वधणो आहे। तरक्याती बजट ते दुरुस्त अमल थे ते तरक्की की शरह जो हदफ हासिल करे वठंदासी। खीर ते 9% टैक्स लगाण वारी गाल दुरुस्त नाहे। खीर ते का सेल्स टैक्स न लगाई आहे। एफबीआर जी ओगाड़ी 12,163 अरब रुपया आहे। 3.5% जीडीपी जो हदफ आसानी से हासिल थी वेंदो। महंगाई जो हदफ 21% आहे। जीडीपी में टैक्सुन जो तनासुब 8.5-7% आहे। एसटीपी में हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर एंड ट्रांसपोर्ट लाए बजट रखी आहे। नाणे वारे वफाकी वजीर इसाक डार जी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस संदा चवण है तो 50,000 ट्यूबवेल्स के सोलर से करण लाए 30 अरब रुपया रखा। बेवाहन के हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन जा कर्ज हुकूमत अदा कंदी। नाणे वारे वफाकी वजीर इसाकदार चवाहे तो मुल्क में ज़रई इनकलाब आणे सकजे तो। बजट में ज़रई बिजन ते ड्यूटी टैक्स तां छूट दिनी आहे। एयरपोर्ट आउट सर्विस करण ते कम करे रहियो आहे। 12 कंपनियुनि उन अमल में हिस्सो वठण चाहिन थियूं। उम्मीद आहे त जुलाई में एक एयरपोर्ट के आउट सर्विस करण लाए बर्ड्स घुराया वन। पेट्रोल स्कीम 800 cc ताई वारिन गाड़ियों ला हुई। बजट में कर्जन व्याज की अदायगी लाए सब का वधिक रकम मुख्तस कई वही है। आईटी के हवाले से स्पेशल जोन के कयाम ते कम थींदो। 1,000 अरब रुपया सालियाने पावर सेक्टर ते सब्सिडी नथी दई सकजे आए नई दियण घुर्जे। इतिहादी हुकूमत बजट ठाहिण लाइ अहिड़नि शोबनि खे तरजीह में रखियो जिन ज़रिए इक़्तिसादी तरक़ी तेज़ थिए, सीड़पकारी जे रुझान में इज़ाफ़ो थिए ऐं मुल्की मईशत खे पाण भरो करे सघिजे थो। बजट में पोरियत जो घटि में घटि उजूरो 32,000 रुपया कयो आहे। महांगाई खे नज़र में रखंदे सरकारी मुलाज़िमनि जी पघारुनि ऐं पेंशन में तरतीबवार 35% ऐं 17.5% ताईं इज़ाफ़ो करे रिलीफ फराहम कयो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो ट्वीट संदसि चवणु आहे त मीसाके मईशती अवामी ख़ुशहालीअ लाइ अॻिते वधण जो वाहिद रस्तो आहे। ॿोरि खां पोइ रिलीफ ऐं बहाली ग्लोबल सप्लाई चेन में रंडकुनि ऐं जियो स्ट्रेटेजिक तब्दीलियुनि सां पैदा थींदड़ चैलेंजिस खे साम्हूं रखंदे नए माली साल जी बजट ठाहिण जो ॾुखियो कमु हुयो। पीटीआई चेयरमैन तरफ़ां पैदा कयल पाकिस्तान इराक विच में पुराणा ऐं दोस्ताना लाॻापा आहिनि। ॿिन्ही मुल्कनि में तारीख़ी, मज़हबी ऐं सकाफ़ती लाॻापा क़ाइमु आहिनि। इराक सां मुआशी वापारी लाॻापनि खे हथी ॾियणु चाहियूं था। नजफ़ अशरफ में तमामु जल्द पाकिस्तानी कौंसल खानो खोलाईंदासीं। परॾेही वज़ीर बिलावल भुटो ज़रदारी जो अरब टीवी खे इंटरव्यू संदसि चवणु आहे त पाकिस्तान दहशतगर्दीअ सबबि सभ खां वधीक मुतासिर थींदड़ मुल्क आहे। पाकिस्तान समेत सॼी दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियुनि जे करे मुतासिर थी आहे। सिंध काबीना नए माली साल लाए 2,244 अरब रुपयनि जी बजट जी मंजूरी ॾेई छॾी। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह अॼु असेंबली में बजट पेश कंदो। सरकारी मुलाज़िमनि जी पघारुनि में 15-20% वाध करण जो इम्कान। तरक़ियाती बजट 6,99,10,30,00,000 रुपया रखिया विया। सूबाई तरक़ियाती प्रोग्राम लाइ 3,80,00,000, अमन अमान लाइ 160 अरब रुपया, ज़रात लाइ 11,91,00,00,000 रुपया रखण जी तजवीज़। सिहत खाते लाइ 44,36,00,00,000 ऐं घरू खाते लाइ 11,51,00,00,000 रखण जी तजवीज़। कराची जे मेगा मनसूबनि लाइ 12 अरब, वर्क्स एंड सर्विसिस खाते लाइ 109 अरब रखण जी तजवीज़। तालीम खाते लाइ 53 अरब रुपया रखण जी तजवीज़ ॾिनी वई। आपाशी खाते लाइ 52 अरब रुपया ऐं मकानी खाते लाइ 111 अरब रुपया रखण जी तजवीज़। सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो आहे त सिंध हुकूमत जे 5 वरहनि जे अरसे जो ई आख़िरी प्री बजट काबीना इजलास आहे। काबीना जा बाक़ी इजलास मामूल मुताबिक़ थींदा रहंदा। असांजी काबीना बिलावल भुटो ज़रदारी जी रहनुमाई में अवाम जी बहितर ख़िदमत कई। असांजी हुकूमत जी कामयाबी जो मज़र मकानी चूंडूं आहिनि। पीपी सिंध जे हर ज़िले में मकानी चूंडुनि में कामयाबी हासिलु कई। असां आम चूंडुनि में पूरे पाकिस्तान में सोभ माणींदासीं।
सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमण की सदारत हेठ इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी बाबत अहम इजलास सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सलीम राजपूत एमडी सिंध मास ट्रांसिट अथॉरिटी कमाल दायो बिया शरीक इजलास के चीनी कंपनी तरफा चास काओ इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से ब्रीफिंग दिनी। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमण चवे तो चीनी कंपनी प्लांट लगान चाहे थी तो सिंध हुकूमत सहकार कंदी। सिंध हुकूमत कंपनी का इलेक्ट्रिक बसों भी खरीद कंदी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी चवा है तो नई पार्टी की लॉन्चिंग एमरजेंसी में डेथ ऑन अराइवल जड़ी है। वफाक 12 महीनों की बजट दिनी ए पंजाब 4 महीनों की बजट जो फैसलो किया। उबूरी हुकूमत के बजट से नजरसानी करण घुर्जे। आवाम बजट में रिलीफ न दिनों वो है। बजट के नाले से कौम से मजाक पे वे इसाकदार मुल्की मैशत जो हिटमेन है। 12 अगस्त से मौजूदा पार्लियामेंट जो मुद्दों पूरा थी रो है। उन कर इलेक्शन तो थियणी है जैसे आइन का मथाओं कम थे तो चई सकें। सामुंडी तूफान वाइपर जाए के खतरे सबब कराची की साहली पट्टी से कलम 144 लागू। मौसमियात खाते जो चवण है तो सामुंडी तूफान वाइपर जाए की शिदत बरकरार है। सामुंडी तूफान उत्तर ओभर डां वधी रो है। सामुंडी तूफान कराची के दखण का 910 किलोमीटर परे है। अरबी समुंड में मौजूद इंतहाई शदीद तूफान उत्तर उत्तर ओभर डां वधी रो है। सिस्टम कुछ रुख तब्दील कर उत्तर ओभर डां हरकत कर सके तो उन ट्रैक में अमान ए पाकिस्तान जा सामुंडी इलाका ओरमाड़ा सोनमियाणी अचन था। तूफान के बारे में हतमी तौर से नथो चई सकजे तो कड़े सामुंडी इलाकन से असरअंदाज थी सके तो। तूफान जो बो ट्रैक गुजरात ए सिंध की सामुंडी पट्टी भी थी सके तो। सिंध की सामुंडी पट्टी में खतरनाक तूफान अचानक इम्कान। प्रोवेंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पारा हाई अलर्ट जारी। ठटे जिले की इंतजामिया नोटिस जारी कर छड़ा। डीसी ठटे पारा मुहाणन के मच्छी के शिकार लाए समुंड में वजन का रोकण लाए अलर्ट जारी। केटी बंदर घोड़ाबारी गाड़ो बघान के मुहाणन के समुंड में वजन का रोकण जो हिदायतों। समुंड में वयल मुहाणन के जल्द किनारन से अचण जो हिदायतों। मच्छी के शिकार लाए समुंड में वयल मुहाणन के वारसन में गणती की लहर। वारसन पारा इंतजामिया का जल्द पंजे प्यारन के घर वापस घुराने की अपील। जीडी एमपीए सरदार अली गोहर खान महर जिले काउंसिल के चेयरमैन लाए पीपी उम्मीदवार की हिमायत जो ऐलान कर छोड़ो। सरदार अली गोहर खान महर घोटकी जिले चेयरमैन लाए पीपी के नामजद उम्मीदवार मीर बंगुल खान महर की हिमायत कई। सरदार अली गोहर खान महर इजलास दौरान पीपी उम्मीदवार की हिमायत कर जो हिदायतों जारी क्यों। पीपी पारा जिले काउंसिल चेयरमैन जो उम्मीदवार बिना मुकाबले डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन चूंढण जा इम्कान।